तो मूवी की शुरुआत होता है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पे ये आदमी को देख रहे हो, ये आदमी अपना बेबी का डिलीवरी करवाने के लिए वहाँ लाता है। बट उसी हॉस्पिटल में उसका दोस्त जिसका नाम रहता है रामचंद्र राव, वह भी अपना बेबी का डिलीवरी कराने उसी हॉस्पिटल में लाता है और सेम टाइम पे दोनों का ही बेटा पैदा होता है। ये कहानी तो कहीं देखेला लगता है, नहीं कोई नहीं बोलेगा जुड़वा मूवी से है। फिर रामचंद्र का बच्चा का उसका सांस चलना बंद हो जाता है, तब नर्स को लगता है शॉक, हाय दैया ये क्या हो गया। फिर वो भागे भागे जाती है अपना टेलीफोन के पास, काहे कि वो लोग बहुत अमीर लोग रहते हैं और उसका हॉस्पिटल में उसका बच्चा मर गया तो ये नर्स को तो वो लोग छोड़ेगा नहीं, तो भाई डर तो लगेगा। इसलिए वह यह बात डॉक्टर को बताना चाहता कि भाई डॉक्टर भाई हमको बचा लो। लेकिन इधर वाल्मीकि साहब ये तो अपने फोन में मस्त है, इसे बता रहा था। तब वो नर्स उससे मांगती है फोन और सारा बात बता देती कि देखो जब बच्चा पैदा हुआ था ना तो एकदम मस्त था, लेकिन उसका थोड़ी देर बाद उसका तो सांसें चलना बंद हो गई, मैं तो डर गई। तो ये बात तो बताना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब को, तो चल फोन ला। तो इस मानव के दिमाग में आता है एक आइडिया। क्या आइडिया है मुन्ना बता। वो ऐसा है ना कि हम और मेरा दोस्त एक ही साथ एक ही कंपनी में ज्वाइन किए थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही स्कूटर में जाते थे, लेकिन उसको हो गया एक लड़की से प्यार, एक्स मोहब्बत। फिर वह उस लड़की से कर लिया शादी और बन गया अमीर, और मैं फटीचर का फटीचर ही रह गया, और अभी हमको उसका घर में काम करना पड़ता, लेकिन मैं अमीरों वाली जिंदगी नहीं जी पाया तो क्या हुआ, वो जिंदगी मेरा बेटा जिएगा। और इसीलिए वो नर्स बोलता है कि देखो नर्स जी ऐसा है ना कि वो है मेरे मालिक और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको कभी हर्ट नहीं कर सकता, और उसको अगर पता चल गया कि उसका बेटा टपक गया है तो वो तो रोते रोते मर जाएगा, मैं उसके आंसू नहीं देख सकता। तुम ऐसा करो ना कि मेरा बेटा को उसके जगह बदली कर दो। फिर ये दोनों उनका अदला बदली कर देते हैं। फिर होता है मौसम खराब, बिजली कड़कड़ाता है और वो बच्चा को होश आ जाता है, यानी चमत्कार। फिर वो नर्स बोलती है इसको तो होश आ गया, चलो फिर से अदला बदली कर देते हैं। लेकिन ये आदमी बोलता है ऐसे कैसे। फिर वो नर्स को ये सारा माजरा बताता है, तब नर्स को आ जाता है गुस्सा और वो बच्चा को छीनने लगती। तभी वो पहली मंजिल से वह नीचे गिर जाती और इस महाशय का भी पैर में मोच आ जाता है, जो कि कभी ठीक नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इधर रामचंद्र और उधर वाल्मीकि दोनों अपना अपना बच्चा का नामकरण करता है। तब उधर रामचंद्र अपना बच्चा का नाम रखता है राज मल्होत्रा और इधर वाल्मीकि अपना बच्चा का नाम रखता है बंटू, जो कि उसके घर में किसी को यह नाम पसंद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वाल्मीकि उस बच्चा का यह नाम रखता है। काहे कि वो अपना दोस्त से तो नफरत करता है तो उसका बच्चा से क्या प्यार करेगा। और ये जो राज मल्होत्रा रहता है वो पढ़ाई में, खेलकूद में, हर चीज में बहुत ही कमजोर रहता है, लेकिन वाल्मीकि उससे बहुत प्यार करता है और हर चीज में उसका सपोर्ट करता है। भाई अपना बच्चा है तो प्यार तो करेगा, इसमें क्या गलत। लेकिन इधर बंटू पढ़ाई में, खेलकूद में, हर चीज में बहुत ही तेज रहता है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि उससे बहुत नफरत करता है और हर चीज में टॉर्चर करते रहता है, या तो भाई गलत बात। फिर राज चल जाता है पढ़ाई करने अमेरिका। इसी तरह 20 साल बीत जाता है और वह दोनों बड़ा हो जाता है। फिर समय आता है जब राज अमेरिका से पढ़ाई करके वापस इंडिया आता है, तब वाल्मीकि साहब पूरा खुश हो जाता है, अरे मेरा बेटा आ रहा है, और उसके स्वागत के लिए बंटू को कद्दू लाने बोलता है। तो जैसे ही वह कद्दू लेके आता है और उस घर को वह देखता है तो देखते ही रह जाता है, या तो महल है बेड़ू। फिर ये आदमी बोलता है कि ए तुम लोग ऐसे फटीचर आदमी के लिए घर नहीं है, इससे दूर रहो, समझा। ये महाशय बंटू को उस गेट के कभी अंदर तक भी नहीं घुसने देता। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें बंटू अपना इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसकी बहन का दुपट्टा लूट के भाग जाता है। सब यहाँ गाड़ी पैसा लूटते हैं और ये महाशय यहाँ दुपट्टा लूट के भाग रहा है, बताओ दुपट्टा कुछ ज्यादा ही कीमती हो। फिर उसकी बहन बोलती है कि भाई मेरे को मेरा दुपट्टा चाहिए, नहीं तो अपना थोबड़ा मत दिखा, जाओ और उनसे मेरा दुपट्टा लेके आओ। तो अपना बंटू जाता है उन गुंडों के पास दुपट्टा मांग और बोलता है भाइयों मेरी बहन का दुपट्टा तुम लोग लेके भागे थे, चलो वापस करो। तो एक बोलता है कि भाई तेरी बहन बहुत ही कमाल की, तो वो बोलता है कि हाँ भाई वो मुझे पता है, चलो दुपट्टा वापस करो। तो एक गुंडा और बोलता है कि अपनी बहन को ही भेज देना दुपट्टा लाने। तब आ जाता है को गुस्सा और सबको यह धोने लगता है, वो भी स्टाइल से। फिर वहाँ से जाता है वह इंटरव्यू देने, लेकिन जिसका ये पिटाई दिया था ना उसी ऑफिस का वह एचआर रहता है। तब लगता है इसको शौक और सोचता है कि हाय दैया ये मैं क्या कर गया। अब उसके पास एक ही चारा बचता है उसका पैर पकड़ के माफी मांगने का, और उससे पैर पकड़ के किसी तरह वह साइन करवा लेता है। लेकिन उस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए उस कंपनी के बॉस का भी सिग्नेचर होना जरूरी। तो वह आता है अगला दिन काम, तो लिफ्ट में जैसे ही वह जाता है तो वहाँ एक वह लड़की को देखता है जो कि शॉर्ट्स पहनी हुई है, और वह लड़की को कम उसका शॉर्ट्स को ज्यादा ही घूसता है। फिर बंटू अपने बॉस का केबिन में जैसे ही सिग्नेचर कराने के लिए घुसता है, वो देखता है कि भाई ये तो वही लड़की है। अब तो उसको लग जाता है कि अब तो मेरा सिग्नेचर होने से रहा। उसके पास अब एक ही चारा बचता है माफी मांग, और वो किसी तरह उससे माफी मांगता है और फिर वह मैडम उसको माफ कर देती। इस मैडम जी का नाम रहता है अमूल्या। फिर अगला सीन में यह वाल्मीकि महाशय वही नर्स से हॉस्पिटल मिलने जाता है। मिलने क्या जाता है, वो देखने जाता है कि वो मरी की नहीं, काहे कि उसका राज उस नर्स के अलावा और कोई नहीं जानता, और
और वह जब उस हॉस्पिटल से वह पहली मंजिल से जब नीचे गिरी थी तो वह मरी नहीं थी बल्कि कोमा में चली गई। और यह महाशय उसके सामने जाके बकबक करता है। तभी आ जाता है वो नर्स को होश और इसका फटके हाथ में आ जाता है। तब वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वह डॉक्टर से पूछता है कि यह बोल सकती है। तब डॉक्टर बोलता है कि नहीं, तो उसका जान में जान आता है, चलो बच गया रे बाबा। और डॉक्टर बोलता है कि बस ये 2 महीना की मेहमान, इसके बाद वो अपना घर चल जाएगी। और इधर काम करते करते बंटू को अमोनिया से प्यार हो जाता है। अगला सीन में हमें एक गुंडा दिखाया जाता है, एपेला नाइटी, जो कि एक पतली रस्सी से एक आदमी का गला घोट रहा होता है। यह गुंडा बहुत ही खतरनाक रहता है। और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है पैरथली। इधर रामचंद्रा को अपना कंपनी को आगे बढ़ाना रहता है और वो बूढ़ा हो रहा होता है, इसीलिए वह अपना कंपनी का सारा जिम्मेदारी राज को देना चाहता है ताकि वह कंपनी को आगे बढ़ा सके। लेकिन जो राज रहता है वह एकदम कमजोर, एकदम मासूम, एकदम बच्चा टाइप से रहता है। वो क्या कंपनी को संभालेगा, ये बात नायडू और पैरथली दोनों जानते हैं। इसी का फायदा उठा के वह कंपनी को हथियाना चाहता है और वह उनको एक मीटिंग के लिए बुलाता है। लेकिन रामचंद्रा अपना बेटा राज को उस मीटिंग में भेजता है ताकि वह बिजनेस के तौर तरीकों को सीख सके। लेकिन इधर पैरथली राज को कंपनी बेचने के लिए फोर्स करता है और इधर रामचंद्रा कान में एयर प्लग लगा के राज को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको बोलो नहीं, मुझे कंपनी नहीं बेचना। लेकिन राज ना तक नहीं बोल पाता है, हट्टू साला क्या बिजनेस करेगा रे तू। तब फिर रामचंद्रा पूरा उदास हो जाता है, क्या गधा है यार, ये ना तक नहीं बोल पाता, क्या होगा इस। फिर रामचंद्रा जहाँ बैठा हुआ रहता है वहीं पे अमूलिया और बंटू अपने कॉम्पिटिटर से एक मीटिंग के लिए आते हैं। तो अमूलिया को उसका कॉम्पिटिटर बोलता है कि तुम्हारा कंपनी हमको भेज दो, तुम क्या बिजनेस करोगी, जाके खाना पीना बना। तो फिर बंटू को आ जाता है गुस्सा, डार्लिंग को ऐसा कैसे बोला तूने, और उसके जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं वो सबको धो देता है और उसके कॉम्पिटिटर को धमका देता है, मेरी मैडम जी से ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझा क्या। और रामचंद्र जब बंटू को देखता है उसके अंदर वह अपना झलक देखता है और यह बात वह जाके अपना पत्नी का दादू जिसका नाम रहता है अनंत उसको जाके बताता है। वहीं पे बैठी हुई रहती है उसकी पत्नी ईशु और वह गुस्सा हो जाती है और बोलती है देखो जी मेरे सामने किसी और का बेटा का तारीफ नहीं करने का, समझा। तब उसके दिमाग में आता है एक आइडिया, क्यों ना राज का शादी करा दिया जाए। कहे कि पहले मैं भी फटीचर था, तब मैंने अमीर और तेज लड़की से शादी किया और मैं अभी देखो कहां पहुंच गया। अगर राज का भी शादी अगर ऐसी लड़की से हो जाए तो उसका जिंदगी सवर जाएगा। तब वो अमूलिया के पापा से राज का शादी के लिए उससे बात करता है और अमूलिया के पापा अमूलिया को राज से मिलवाने के लिए उसके घर लेके आता है। लेकिन कहानी में इधर थोड़ा ट्विस्ट, इधर अमूलिया बंटू को पसंद करने लगती है और उधर राज उसकी माँ का जो भाई रहता है उसकी बेटी को वह पसंद करता है। लेकिन दोनों कुछ नहीं बोल पाते और दोनों के घर वाले उन दोनों की जबरदस्ती सगाई करा देता है। अगला सीन में नायडू अपना शैतानी दिमाग लेके वह रामचंद्रा के ऑफिस में मिलने जाता है और बात करते करते वह अपना छाता का जो आगे वाला नुकीला हिस्सा रहता है उसको रामचंद्रा के छाते में घुसा देता है और वह वहाँ से निकल जाता है। फिर अमूलिया बंटू को प्रपोज करती है। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि भाई हम लोग दोनों प्यार करते हैं तो तुम्हारा सगाई उससे कैसे, चलो हम लोग रामचंद्र से बात करके आते हैं। फिर जाते हैं वो दोनों उसके ऑफिस। फिर बंटू देखता है कि वह तो नीचे गिरा हुआ है। फिर वह उसको लेके जाता है हॉस्पिटल और सारे डॉक्टर लोग रामचंद्र को ऑपरेशन के लिए अंदर लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे वह नर्स पड़ी हुई रहती है और वह रामचंद्र को देख लेती है। वह सोचती है मुझे तो रामचंद्र को बताना पड़ेगा कि उसके पास जो बेटा है वो उसका नहीं है। बंटू वहीं पे खड़ा रहता है तो वह नर्स बोलती है क्या वह तुम्हारा पिता है। तभी वाल्मीकि वहाँ पे आता है रामचंद्र को देखने के लिए, तो बंटू नर्स को दिखाता है कि वह मेरा पिता है। तब नर्स जो है वो सारा बात बंटू को बता देती है कि तुम्हारा पिता वाल्मीकि नहीं है बल्कि रामचंद्र है, हम दोनों ने मिलके तुम्हारा अदला बदली किया था। फिर आ जाता है बंटू को गुस्सा। फिर वह वाल्मीकि के पास जाता है, एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर उसमें बंटू कुछ नहीं बोलता है कि हम काहे थप्पड़ मारे और वाल्मीकि भी कुछ नहीं पूछता है कि हमको काहे थप्पड़ मारा। फिर हॉस्पिटल से वो दोनों घर जाने लगता। तब रास्ता में बंटू बताता है उसको कि हमको पता चल चुका है कि तुम मेरे पिता नहीं हो और पहले तुम का कारनामा कर चुके हो। तब वाल्मीकि गिड़गिड़ाने लगता है, मत बताना यार नहीं तो मेरा बेटा फिर से गरीबी में आ जाए। तो बंटू बोलता है हाँ ठीक है ना, हम नहीं बताएंगे, हमको पता है अगर बता दिए तो तुम्हारा बेटा गरीबी में आके फिर से मर ही जाएगा और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे नफरत करने लगेगी, और इसी को देखते हुए हम नहीं बताएंगे, अब खुश। तो वह खुश हो जाता है, अरे बाबा रे बच लिया रे। तब बंटू फिर सोचता है कि हम इतना साल से अपने असली माँ बाप से दूर रहे, अब तो हमको उसके साथ रहना चाहिए, अपने माँ बाप का भी थोड़ा सेवा करना चाहिए। तब बंटू वाल्मीकि को बोलता है कि हमको उस घर में लेके चलो, हमको वहीं रहना है, लेकिन हम उन लोगों को कुछ नहीं बताएं। तब वाल्मीकि बोलता है कि ऐसे कैसे। इधर रामचंद्र ऑपरेशन से ठीक होके वह घर आ चुका है लेकिन थोड़ा मोड़ा तबीयत अभी भी खराब ही है। तो बंटू वहाँ का डॉक्टर का जो बेटा रहता है उसको किडनैप कर लेता है और डॉक्टर के थ्रू बंटू को रामचंद्र की देखभाल करने के लिए उन लोगों को बोलता है। तब वो लोग मान जाते हैं और बंटू को उस घर में काम पे रख लेते हैं। बंटू के वहाँ जाने से उनके घर के सभी लोग खुश रहते हैं लेकिन ईशु उससे खुशी नहीं रहती, पता नहीं क्या। फिर बंटू अनंत से पूछता है कि रामचंद्र पे हमला हुआ और आप लोगों ने पुलिस केस भी नहीं किया क्या। तब वो बोलता है कि पुलिस केस तो किए थे लेकिन वो लोग ना बहुत ही खतरनाक लोग, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो
बंटू बोलता है कि हम लोगों को उनसे बात करना चाहिए और मामला सेटल करना चाहिए। तो बोलता है कि ऐसा क्या, बंटू बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। और फिर वो दोनों उनके अड्डे का पता निकाल के उनसे मिलने चला जाता है। तो फिर पैर थाली का आदमी अनंत को घुसने नहीं देता है, उसको धक्का देके बाहर गिरा देता है। तो यह बात पता चल जाता है बंटू को, उसको आ जाता है गुस्सा और सबको पूछ पूछ के मारता है कि किसने हाथ उठाया बताओ, बताओ नहीं तो सबको काट डालेगा, और उसके सारे आदमी को धो डालता है। उसके बाद वहाँ पे वह पैर थल्ली को धमका देता है और जाते समय नायडू भी वहाँ आ जाता है, उसको भी वह धमका देता है और वो दोनों वहाँ से फिर चल जाता है। अगला सीन में रामचंद्र का जो साला रहता है ना, वो बहुत ही कमीना रहता है। वह उनका पैसा में से हेरा फेरी करके बहुत ही गफला करता, और यह चीज बंटू हॉस्पिटल में भी देख चुका होता है कि कैसे वह दवाइयों का बिल बढ़ा के उसमें पैसा गफला किया था। और ये चाहते है कि बंटू उनके साथ आ जाए ताकि ज्यादा पैसा गफला किया जा सके। लेकिन बंटू अनंत को बता देता है इन लोगों ने बहुत पैसा गफला किया है। तब अनंत उनकी पिटाई करने लगता, वहाँ पे इशू आ जाती है और पूछती है कि इनको क्यों मार रहे हो। तब वो बताता है कि इन्होंने बहुत पैसा कपड़ा किया है। तो इशू बोलती है कि तुमको कैसे पता, और अनंत बोलता है कि हमको बंटू ने बताया। तो वो बोलती है कि क्या ये हरिश्चंद्र की औलाद है जो हमेशा सच ही बोले, झूठ भी तो बोल सकता है। तो बोलता है कि नहीं ये झूठ नहीं बोलता। तो वो बोलती है कि अच्छा चलो मेरे बारे में बताओ, देखते हैं तुम कितना सच बोलता है। तो वह बोलता है कि आपके और आपके हस्बैंड में बिल्कुल आपस में नहीं बनती, क्योंकि आपके हस्बैंड को हो गया था अपने ही सेक्रेटरी से प्यार और आपको यह बात पता चल गया था। यहाँ तक कि इस फैमिली का सारा लोगों को यह बात पता है, लेकिन सब ऐसे बनते हैं जैसे कि कुछ पता ही नहीं। और यह बकबक करने के बाद बोलता है कि मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, अपन घर चलता है, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर रात होता है तो रामचंद्र जाता है इशू के पास माफी मांगने के लिए कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर इशू उसको वहाँ पे माफ कर देती। इधर रामचंद्र का साला जिसका नाम रहता है काशीराम, उसका पोल तो सब जगह खुल ही चुका है। तो वह सोचता है कि अब तो इसका कंपनी को भी हथिया लेंगे, और वह मिला लेता है हाथ पैदल थैली से, और वह राज को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और दोनों मिलके वह कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को बेच दो। तभी अनंत बंटू को फोन करता है कि देखो बंटू जी कुछ कुछ ऐसा बात है कि वो लोग कंपनी बिकवाना चाहता है, उसको कन्वेंस कर रहे हैं, तुम जाओ और राज को वहाँ से लेके आओ। तो अपना बंटू मस्त कोट उट पहन के जाता है उनके मीटिंग में और मस्त सबको धमका देता है, और पैद थली का एक आदमी को भी वहीं धो देता है, और राज को वहाँ से वापस लेके आ जाता है। फिर अगला सीन में बंटू और अमूलिया को दोनों को एक साथ उसके घर वाले देख लेते हैं। तब आ जाता है उनको गुस्सा कि भाई सगाई इससे और प्यार उससे, और वो लोग बंटू को वो घर से निकाल देते हैं। इसके बाद नायडू और पैद थली के पास कंपनी हथियाने का सारा आइडिया खत्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, काशीराम की बेटी को वो उठा लेते यानी किडनैप कर लेते, और बोलते हैं कि अपना कंपनी मेरा नाम कर दो नहीं तो इसको काट डालेगा। तो वो सारे लोग कंपनी उनके नाम करने के लिए एक पेपर में साइन करने लगते हैं। तो अपना काशीराम इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मेरे को माफ कर दो, मैं तो एकदम हरामी मानुस था, लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे ये सोचा नहीं। तब वो लोग उसे माफ कर देते। फिर राज को आ जाता है गुस्सा उसके बाप से नहीं रहे उन गुंडों से, मेरी डार्लिंग को किडनैप किया, और वह उसे छुड़ाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके घर वाले उसे रोक लेते। तभी वह बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी यह बात बोल नहीं पाया, मैं तो फट्टू था, लेकिन अब फट्टू नहीं रहेगा, काट डालेगा साला। तब अनंत बंटू को फोन करता है, इसको कोई काम ही नहीं, जब भी कोई मुसीबत आया तब बंटू को फोन करेगा। फिर अपना बंटू जाता है उन गुंडों के अड्डे में, जिसमें सर में कपड़ा, दाहिना हाथ में गरम हंसुआ और बायां हाथ में एक मुर्गा, और मस्त में सिगरेट जलाते हुए एंट्री करता है, और साइड में बैकग्राउंड म्यूजिक, और सब गुंडों को धोने लगता है, और नायडू के सारे गुंडों को धो देता है। फिर आता है नायडू के बाहर, और नायडू उसको मारने की कोशिश करता है एक पंचेरी, लेकिन वही पंचेरी उसके छाती में वो घुसा देता है और उसको वहीं टपका देता है, और अपना बंटू उस लड़की को लेके उसके घर वापस आ जाता है। फिर वह लोग वाल्मीकि के सामने बंटू का तारीफ कर रहा होता है। तब अनंत वाल्मीकि को जाके एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि यह बंटू मेरा पोता है, समझा, ये मेरा पोता है, मैंने इसे उस नर्स से वह बात करते हुए सुन लिया था। तब रामचंद्र हो जाता है खुश और वाल्मीकि हो जाता है सौ, भाई इसको तो पता चल गया। तब रामचंद्र यह खुशी का बात हुआ इसी को बताना चाहता, तब बंटू बोलता है कि ना ना मत बता, वह राज से बहुत प्यार करती है, उसको अचानक पता चलेगा कि हम उसका बेटा है तो क्या रिएक्शन रहेगा उसका, जैसा है वैसे चलने। तो वह बंटू को उस लड़की को बचाने का खुशी में बहुत सारा पैसा भी देती है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वह उसे रख लेती है। और इधर वह चाहती है कि राज एकदम काबिल बने, कंपनी चलाने के काबिल बने, और वह ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेके वह कंपनी का सीईओ बने। इसलिए वह चाहती है कि वह एक गरीबी से शुरुआत करे ताकि मेहनत क्या होता है वह उसे पता चल सके और वह जीवन में लड़ने का एकदम काबिल बन सके। और इसीलिए वह वाल्मीकि के घर राज को रखने के लिए बोलती है और उसको ट्रेनिंग देने बोलती है कि तुम इसको ट्रेनिंग दो और ये पढ़ाई करेगा और यह सीईओ बनेगा। और इधर मामला फिर से वही हो जाता है, उसका बेटा फिर से गरीबी में आ जाता है और रामचंद्र का बेटा फिर से अमीर बन जाता है, यानी इशू को बिना पता चले उसका सपना तो चकनाचूर, और यही मूवी एंड हो जाता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देख